खरगोन जिले में भूमि नामांतरण के नाम पर 5000 की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। हम आपको बता दें कि लोनारा निवासी नारायण चौहान से पटवारी सृजन सिंह ने 12000 की मांग की, जो दो किश्त में देने की बात हुई, जिसकी सूचना फरियादी ने लोकायुक्त टीम इंदौर को दी। लिहाजा टीम ने खरगोन के बिस्टान रोड पर पेट्रोल पंप के समीप आरोपी पटवारी को 5000 की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा और भ्रष्टाचार निवारण की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। 2021 को तहसील खरगोन में तहसील कार्यालय में नारायण सिंह चौहान निवासी ग्राम पंचायत लोनारा द्वारा नामांतरण हेतु एक आवेदन दिया गया था, जिस पर से रीडर जो है तहसीलदार द्वारा वह पटवारी संबंधित पटवारी के हल्के को कार्रवाई हेतु जो है स्थानांतरित कर दिया। जब वो पटवारी सृजन सोलंकी से मिला नारायण चौहान, तो उन्होंने नामांतरण करने के एवज में 12000 रुपये की मांग की। उसके आधार बताया गया कि 12000 रुपये वो नहीं दे सकता है, दो बार में दे पाएगा, तो 5000 रुपये रंगे हाथों लेते हुए बिस्टान रोड पेट्रोल पंप पर पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय लोकायुक्त इंदौर आया, जिस पर से हम लोगों द्वारा ये कार्रवाई की। आगामी क्या क्या कार्रवाई की जाएगी? आगामी इसकी विवेचना की जाएगी, विवेचना करने के बाद चालानी कार्रवाई की जाएगी। क्या सुनिए, संतोष सिंह भदौरिया, DSP लोकायुक्त इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।